नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास नाइन में क्वाड्रिलेटरल एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी थ्योरम्स आपको पहले सॉल्व करने होते हैं। बगैर थ्योरम के आप उसके कोई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसके थ्योरम्स को अच्छी तरह समझते हैं तो ज्योमेट्री में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल शुरू से देखेंगे। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 है, लेकिन डॉक्टर आदि शर्मा की बुक में ये चैप्टर 13 है, ओल्ड बुक में। क्वाड्रिलेटरल के पढ़ने के पहले आपने ट्रायंगल को भी पढ़ा है। ट्रायंगल क्या है? आपने देखा कि ट्रायंगल हम कहते हैं अगर 1, 2, 3 ये 3 पॉइंट्स है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हम उस पॉइंट्स को बोलेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आता हो, अगर हम इसको स्केल से ज्वाइन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आए तो हम उसको नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। तो अगर ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन जाता है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा। इस तरह से अगर हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं एक प्लेन में, पेपर पर या कहीं भी बोर्ड पर, 4 पॉइंट्स लिया, 3 के जगह पे अब 4 पॉइंट्स लिया, ए, बी, सी और डी। अब इसको ज्वाइन करते हैं। ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया और सी को डी से, अब फिर डी को ए से ज्वाइन करने के बाद ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये क्या है? यही है क्वाड्रिलेटरल। हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्योमेट्रिकल शेप है जो 4 साइड से बना हुआ है। आप ट्रायंगल में देखें, दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3 साइड्स, ए बी, बी सी, ए सी, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, लेकिन यहाँ पर 4 साइड्स है। अगर इससे शुरू करते हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इस तरह से इसको ऑर्डर में पढ़ेंगे। फिर इसका एंगल 1 ये 2 ये 3 और ये 4, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये देर आर 4 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। सिंपली ये जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को बोलेंगे जो 4 साइडेड हो, जिसमें 4 साइड्स रहेंगे। 4 साइडेड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ही जरूरी है, अगर आप उसको समझते हैं तो ये आपको आगे हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां पर लेते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स किसको बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब होता है वो दो साइड्स जो बिल्कुल सटा हुआ हो, जिस दो साइड से एक कॉमन एंगल बनता हो हम उसको एडजेसेंट बोलेंगे। यहां पर हम ए डी और ए बी को एडजेसेंट बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम यहां पर इस डायग्राम में लेंगे तो ए डी एंड ए बी एक पेयर एडजेसेंट साइड का ये हो गया। फिर दूसरा, अगर हम ए बी को लेते हैं तो ए बी एंड इसका एडजेसेंट क्या होगा? तो बी सी होगा। ए बी का एडजेसेंट ए डी भी है और ए बी का एडजेसेंट बी सी भी होगा, तो ए बी एंड बी सी ये भी एडजेसेंट में रखा गया। अब अगर BC को लेते हैं तो BC और CD
थर्ड पेयर हो गया बी सी एंड सी डी, ये थर्ड पेयर एडजेसेंट साइड का है। फिर सी डी और ए डी भी एडजेसेंट आएगा, तो हम लिखेंगे सी डी एंड ए डी, ये एडजेसेंट साइड्स का पेयर हुआ। ये बहुत जरूरी है, ये टर्म्स इसके कुछ टर्म्स हैं जिसमें से ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज आएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है नंबर टू में, हम लोग ले लेते हैं, ये नंबर वन टर्म था, नंबर टू में लेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे, तो जिस तरह से एडजेसेंट साइड जो सटा हुआ है, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल हम उस एंगल को बोलेंगे जिसका वन साइड कॉमन होगा। इसे अगर हम एंगल ए और एंगल बी को बोलेंगे कि इसमें ए बी साइड कॉमन है, तो एंगल ए एंड एंगल बी को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट कहलाएगा क्योंकि इसका बी सी कॉमन साइड है। तो दूसरा पेयर इसका एंगल बी एंड एंगल बी सी, एंगल बी एंड एंगल सी। और फिर अगर हम लोग सी को लेंगे तो सी और ये डी, क्योंकि यहां पर ये वाला साइड सी डी या डी सी कॉमन साइड होगा, तो फिर लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल डी, ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स है। एक और पेयर आएगा एंगल डी और एंगल ए, क्योंकि इसका एडजेसेंट ए डी बन जाएगा, तो एंगल डी एंड एंगल ए ये एडजेसेंट एंगल्स का पेयर हो गया। एडजेसेंट साइड्स का पेयर, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको समझो। फिर इसमें एक थर्ड नंबर में आ जाएगा अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स ये क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट का मतलब आमने सामने का, ठीक, जो बिल्कुल आमने सामने हो हम उसको ओपोजिट बोलेंगे। जैसे इस डायग्राम में अगर लेंगे तो ए डी के सामने में है ये बी सी, तो हम लोग ए डी और बी सी को ओपोजिट साइड्स बोलेंगे। तो इसका फर्स्ट पेयर हो गया ए डी एंड बी सी। फिर सेकेंड में आ जाएगा ए बी और सी डी, क्योंकि ये दोनों ओपोजिट में है, तो ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, ये इसका ऑपोजिट साइड्स का पेयर हुआ। फिर एक आ जाता है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक दो टर्म्स और है ब्रेक के बाद, जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है वो आता है ऑपोजिट एंगल्स। जैसे हम लोगों ने ऑपोजिट साइड्स को देखा, आमने सामने का जो साइड्स है वो ऑपोजिट साइड्स का पेयर कहलाएगा। एडजेसेंट एंगल्स उसको हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलेंगे। कंसेक्यूटिव एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स में थोड़ा सा अंतर है। कंसेक्यूटिव हुआ कोई भी दो एंगल लगातार, एडजेसेंट एंगल्स जिसका कॉमन साइड होगा। अब यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स की बात अगर हम करेंगे तो देखते हैं कि जो आमने सामने में जो एंगल्स है, जो पेयर बनेगा उसको बोलेंगे। जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये ऑपोजिट एंगल्स में आएगा, तो हम इसका पेयर लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल एंगल सी। एक दूसरा पेयर भी इसमें बनेगा एंगल बी, ये वाला और ये एंगल डी, तो ये भी एक पेयर आ जाएगा एंगल बी एंड एंगल डी। ये दो पेयर इसका ऑपोजिट एंगल्स का इसमें आता है। अगर डायगोनल्स की बात करें तो ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स बोलो, ऑपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल बनाएगा। यहां पर डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए और सी, अगर ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो वो ए सी बनेगा, और दूसरा
पी और डी ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो वो पी डी बनेगा जो कि इसका दूसरा डायगोनल कहलाएगा। तो ए सी और बी डी ये इसका दो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में होते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको जरूरी है याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और इसके थ्योरम्स को पढ़ने में आपको इसकी आवश्यकता होगी। अब एक जो थ्योरम है ये बिल्कुल आसान है, जैसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, सॉल्व किए हैं उसको, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो इसमें भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी आता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अगर यहाँ पर फोर एंगल्स है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तो इसका सम क्या हो सकता है। ये थ्योरम वन होगा, एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये 360 डिग्री होगा। ये प्रूफ करने भी दे सकता है कि प्रूफ दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो बिल्कुल सिंपल है, किसी एक डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर बी डी को ज्वाइन कर दिया। फिलहाल ये वाला जो नीचे वाला जो एक ट्रायंगल दिख रहा है इसको भूल जाते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है भी, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं और इसका नाम यहाँ पर दे देते हैं ए, ये डी और ये बी है। इस एंगल को हम लोग वन मान लेते हैं, सहूलियत के लिए मान लेते हैं, आसान रहेगा। वन, इसको टू मान लेते हैं और इसको थ्री मान लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल तो अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट ट्रायंगल में आ गया। अब ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको भूल जाते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल जो है उसको ध्यान से देखते हैं। इसका डायग्राम यहां पर बनाते हैं। ये नीचे वाला ट्रायंगल इस तरह का बनेगा, यहां बना लिया, और ये B है ये पॉइंट, फिर C यहाँ है और फिर ये D है। इस तरह का डायग्राम बन गया। दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिए, दोनों को मिला देंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब ये वन टू और थ्री तो इसको मान लिया, अब इसको मान लेते हैं फोर और इसको फाइव और इस एंगल को सिक्स मान लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जो इक्वेशन है इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब ये जो दोनों अलग अलग है इसको एक बार यहां पर लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, समझने में आसानी होगी। एंगल वन ये था, एंगल टू ये था, एंगल थ्री ये एंगल था, एंगल फोर ये वाला था, इतना सा ही। फिर एंगल फाइव ये पूरा एंगल एंगल फाइव था और फिर ये एंगल सिक्स ये एंगल था। अब हम लोग इसको लिख लिए। अब एंगल वन को एंगल वन ही रखेंगे, हम इसको एंगल ए बोलेंगे। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री यहाँ लिख देंगे। अब एंगल वन के जगह पे एंगल ए लिख देते हैं, तो ये आ गया एंगल ए प्लस। अब जरा सा ध्यान से एंगल टू और एंगल फोर की जगह पे हम एंगल बी लिखेंगे, तो एंगल टू यहाँ है और एंगल फोर यहाँ पर है। तो इस दोनों को अगर एक साथ लिख लेंगे तो हम उसको एंगल बी का नाम दे सकते हैं। तो ये आ गया एंगल बी प्लस एंगल फाइव की जगह पे, यहाँ पर एंगल फाइव है, इसको सी लिख देते हैं।
तो ये एंगल सी और प्लस एंगल थ्री और एंगल सिक्स बच रहा है, तो एंगल थ्री और एंगल सिक्स दोनों को जब ऐड करते हैं, दोनों अलग अलग था एंगल थ्री और एंगल सिक्स, और जब दोनों को एक साथ लिखे तो इसको हम एंगल डी का नाम दे सकते हैं। तो ये आ गया एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यही तो हमको प्रूफ करना था। ये था थ्योरम नंबर वन। काफी थ्योरम्स है। डॉक्टर आरडी शर्मा सर के बुक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी पर मैंने काफी वीडियो बनाया है कोऑर्डिनेटर पर, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको भी देखना। लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ डॉक्टर आरडी शर्मा के बुक पर डिस्कस करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में जरूर लिखें, जैसे ही वक्त मिलेगा जरूर सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। अजीता साहिब, जय हिंद, जय भारत।